मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीरे आला वज़ीर इंसाफ के बयान की गलत तशरीह कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीरे आज़म का कहना था कि डेविड लेमिटी के वज़ीर इंसाफ का बयान अक़वामे मुत्तहिदा के ऐलामिये से मुतालिक था। वज़ीरे आला ने वफाकी वज़ीर के बयान को ख़तरनाक और तफरका अंगेज़ करार दिया था। बैंक ऑफ कैनेडा का शरह सूद को 4.5% पर मुस्तहकम रखने का फ़ैसला। डिप्टी गवर्नर बैंक ऑफ कनाडा का कहना था कि मईशत में तलब को कम करना और तवाजन को बहाल करना चाहते हैं। हमें अफरात ज़र को हदफ पर वापस लाने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से मजीद 300 अफराद कनाडा पहुंच गए। कनाडा में आबाद होने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 30,000 से ज़ायद हो गई। पनह गुजीनों के वकला का मजीद अफगानियों को कनाडा में आबाद करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक वकील पर $500 मिलियन का दावा दायर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं बेकसूर हूं और मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। मेरी गिरफ्तारी पर अदालती अमला आबदीदा हो गया था। 2011 से मुनक़ता सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात फिर से बहाल होना शुरू हो गए। सऊदी अरब के साथ कामयाब मुज़ाकरात, शाम के अरब लीग में वापसी के इम्कान रोशन। सिफारती बहाली का मिशन सऊदी अरब में ईरानी सिफारत खाना 7 साल बाद दोबारा खुल गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन ना सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। Shawarma, now serving from 4 locations. कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अल्बर्टा, सैस्केचुआन और मैनिटोबा के वज़ीर आला पर एक वफाकी वज़ीर के रिमार्क से गलत तशरीह करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अल्बर्टा, सैस्केचुआन और मैनिटोबा के वज़ीर आला पर एक वफाकी वज़ीर के रिमार्क की गलत तशरीह करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आया आटोवा उन मुहैदों पर नज़रसानी कर सकता है जो उन सूबों को कुदरती वसाइल पर कंट्रोल देते हैं। ट्रूडो ने कहा कि मैं वाज़े करता हूं कि वज़ीर इंसाफ ने ऐसी कोई बात नहीं की। गुज़िश्ता हफ्ते फर्स्ट नेशन के खसूसी सरबराहों के इजलास में वज़ीर इंसाफ डेविड लेमटी ने सवाल जवाब के सेशन के दौरान कहा कि हुकूमत 1930 के कुदरती वसाइल की मुंतकली के मुहैदों पर नज़र रखेगी। वफाकी हुकूमत और 4 मगरबी सूबों के जरिए दस्तखत किए गए मुहैदों ने मैनिटोबा, सैस्केचुआन, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया को अपने कुदरती वसाइल पर कंट्रोल दिया। अल्बर्टा, सैस्केचुआन और मैनिटोबा के वज़ीर आला ने लिमटी के रिमार्क्स की फौरी मज़म्मत की। जारी करदा एक मुश्तरका बयान में वज़ीर आला ने ट्रूडो से लिमटी के तबसरों को मुस्तरद करने का मुतालबा किया।
जिसे उन्होंने खतरनाक और तफरका अंगेज करार दिया। कदामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने लैम्प्टी पर आइन को खत्म करने की धमकी का इल्जाम लगाया। बुध के रोज ट्रूडो ने कहा कि सूबों के वज़राए आला ने लैम्प्टी की गलत तशरीह की और उससे इनकार किया कि उनकी हुकूमत मुहायदों का जायजा ले रही है। ट्रूडो ने कहा कि लैम्प्टी इसके बजाय मुकामी लोगों के हकूक से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के एलामिये से वफाकी हुकूमत के अज़म के बारे में बात कर रहे थे। बैंक ऑफ कनाडा ने अपनी शरह सूद को 4.5% पर मुस्तहकम रखने का फैसला किया, जबकि इसकी सबका शरह में इजाफे का असर मईशत पर पड़ता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। बैंक ऑफ कनाडा ने बुध के रोज़ अपनी शरह सूद को 4.5% पर मुस्तहकम रखने का फैसला किया, जबकि इसकी सबका शरह में इजाफे का असर मईशत पर पड़ता है। बैंक के इस इकदाम के इक्तिसादी माहरीन की तरफ से बड़े पैमाने पर तवक्को की जा रही थी, क्योंकि बैंक ने मार्च 2022 से इस साल फरवरी के दरमियान 8 बार शरह बढ़ाने के बाद शरह में इजाफे को रोकने के अपने इरादे को टेलीग्राफ किया था। मईशत को जारी रखने के लिए वबाई अमराज के इब्तदाई दिनों में अपने बेंचमार्क कर्जे की शरह को कम करने के बाद बैंक ने 2022 के अवाइल में शरह में इजाफे की एक जारहाना मुहिम शुरू की, जब महंगाई कई दहाइयों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। कैनेडा की अफरात ज़र की शरह जून 2022 में 8% से ज़्यादा की सतह पर पहुँच गई थी और फरवरी 2023 तक ये सिर्फ 5% तक ठंडा हो गया था। मार्च का डेटा अगले हफ्ते जारी होने वाला है और इससे ये जाहिर होता है कि शरह 4% तक कम हो गई है। अगर ज़रूरी हो तो बैंक ने शरह में मज़ीद इजाफे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, लेकिन मजमूई तौर पर बैंक के पॉलिसी साजों ने यह वाज़ेह किया कि उनके ख्याल में अब तक की शरह में होने वाली तब्दीलियों का अपना मतलूबा असर हो रहा है, जिससे महंगाई को कम करने के लिए मईशत काफ़ी कम हो रही है। बैंक के डिप्टी गवर्नर कैरोलिन रॉजर्स ने कहा, पहले से मौजूद शरहों में इजाफा खपत को कम करेगा, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी का असर है। मईशत में तलब को कम करना और तवाजन को बहाल करना, जिसकी हमें अफराते ज़र को हदफ पर वापस लाने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान से मज़ीद 300 अफराद कैनेडा पहुँच गए। बुध की सुबह पाकिस्तान से एक परवाज़ टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँची। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान से मज़ीद 300 अफराद कैनेडा पहुँच गए। कैनेडा की वफाकी हुकूमत ने कहा कि बुध के रोज़ अफगानिस्तान से 300 से ज़ायद अफराद कैनेडा पहुँचे, जिससे इस मुल्क पर तालिबान के कब्ज़े के बाद से आबाद होने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 30,000 से ज़्यादा हो गई। बुध की सुबह पाकिस्तान से एक परवाज़ टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। जहाज़ पर सवार अफराद में साबिक तर्जुमानों के ख़ानदान के अफराद और निजी तौर पर स्पॉन्सर किए गए महाजरीन और वो लोग शामिल थे जिन्होंने अफगानिस्तान में कनाडा के मिशन की मदद की। अगस्त 2021 में तालिबान के इक्तदार में आने के बाद कनाडा ने मुतादित खसूसी प्रोग्रामों के जरिए कम से कम 40,000 अफगानों को दोबारा आबाद करने का वादा किया। आटोवा को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद लोगों को तहफ़ फराहम करने की इसके इंतशार अंगेज कोशिशों पर तनकीद का सामना है। बहुत से लोगों ने निशानदेही की है कि कनाडा ने अपना सफारतखाना दूसरे ममालिक के मुकाबले पहले बंद कर दिया था। वफाकी हुकूमत का कहना है कि वो अब 2023 के आखिर तक 40,000 हदफ तक पहुंचने के रास्ते पर है, लेकिन उसने एक न्यूज़ रिलीज में तस्लीम किया है कि इसमें अहम चैलेंजेस होंगे। पनाह गुजीनों के वकला का कहना है कि वफाकी हुकूमत को 40,000 से ज़ायद महाजरीन की आबादकारी के हदफ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए अपने साबिक वकील पर $500 मिलियन का दावा दायर कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए अपने साबिक वकील पर $500 मिलियन का दावा दायर कर दिया। उन्होंने अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए रकम देने के केस में गिरफ्तारी के दौरान कमरे अदालत का अहवाल बता दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक स्टॉर्मी डैनियल्स केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जब कमरे अदालत में मुझे हिरासत में लिया गया तो अदालती अमला रोने लगा था, उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमले का मेरे लिए रोना नाकाबिले यकीन था। जब मैं कमरे अदालत में दाखिल हुआ तो देखा वो आप दीदा हैं। मैंने उनसे सिर्फ ये कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि मैं बेकसूर हूँ और मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। दूसरी जानब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने माहदे के खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए अपने साबिक वकील पर $500 मिलियन का दावा दायर कर दिया। गैर मुल्की खबर इस एजेंसी के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर का कहना है कि माइकल कोहन ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस में मुतवक्के गवाह हैं। साबिक सदर पर हाल ही में मैनहट्टन की
ग्रैंड ज्यूरी ने फर्द जुर्म आयद की थी। माइकल कोहन ने बतौर अटॉर्नी अपने माकल के बेहतरीन मफादात में काम करने के अपने फर्ज की खिलाफ वर्जी की। कोहन के तर्जुमान और वकील लैनी डेविस ने बताया कि उन्हें यकीन है कि उनके माकल के खिलाफ मुकदमा नाकाम हो जाएगा। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए दोनों ममालिक की जानिब से पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में ईरान का सिफारत खाना 7 साल बाद दोबारा खोल दिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए दोनों ममालिक की जानिब से पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में ईरान का सिफारत खाना 7 साल बाद दोबारा खोल दिया गया। अमारात और बहरीन समेत दीगर अरब ममालिक के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात की बहाली के तारीखी इकदाम के बाद से खलीजी अरब ममालिक अब खत्ते में हल तलब दीगर मामलात को भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगों के खात्मे के ऐलान हो रहा है और मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब में ईरानी सिफारत खाने के अहाते के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ईरानी वजारत खारजा के बयान के चंद घंटे बाद सिफारती मिशन को खोल दिया गया। उधर 2011 से मुनक़ता सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात फिर से बहाल होना शुरू हो गए। इसकी पहली कड़ी शामी वजीर खारजा फैसल अल मक़दाद की जद्दा आमद और अपने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फनहान से मुलाकात करना है। गुज़िश्ता 12 बरसों से ज़ायद के अरसे में शाम के किसी अहम अहदेदार का सऊदी अरब का यह पहला दौरा है। मुलाकात में कौंसलर खिदमात और परवाजें दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया। गैर मुल्की खबर रसा इदारों के मुताबिक ईरान की तकनीकी मुआयना टीम ने बंद सिफारत खाने का मरकजी गेट खोला और इमारत का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि ईरान के वजारत खारजा ने कहा था कि सऊदी अरब में एक तकनीकी वफ़ भेजा जाएगा। इस वक्त तकनीकी वफ़ रियाज में मौजूद है। तर्जुमान वजारत खारजा नासिर कनानी ने इसी हवाले से कहा था कि ईरानी वफ़ रियाज और जद्दा में सिफारत खाना और कौंसल खाना खोलने के लिए ज़रूरी इकदाम करेगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब और ईरान ने गुज़िश्ता माह चीन के सालिसी में 2016 के बाद सिफारती कशीदगी ख़त्म करने और सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक किया था। अलावा अजीम शाम को अरब लीग में शामिल करने और जंग और जलजला ज़दा मुल्क में इंसानी हमदर्दी के तहत इमदादी प्रोग्राम के तरीके कार पर भी गौर किया गया। शाम की अरब लीग में वापसी के लिए खलीजी तआवुन काउंसिल का इजलास आने वाले कल यानी जुमे को तलब किया गया है। दूसरी जानिब बहरीन और कतर ने अक्वामे मुत्तहदा के चार्टर और 1961 के सिफारती ताल्लुकात से मुतालिक वियाना मुहैदे की दफात के तहत सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का फैसला कर लिया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।